नमस्कार, कुकिंग विद शालिनी में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। पनीर सभी को पसंद है, चाहे आपके घर में कोई गेस्ट आए या वैसे भी आप कभी आपका मन करता है खाने का, आप इसको बना सकते हैं। बहुत ही टेस्टी और बढ़िया, इजी है बनाना, बहुत ही यमी बनता है। तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बनाना। सबसे पहले जो है हमने ये पनीर लिया है और इसके हम कर लेंगे पहले पीसेस। तो इस तरह से पनीर को करेंगे कट और इस तरह से छोटे बड़े पीसेस इस तरह से कट कर लेंगे। जिस तरह से आप कट करना चाहते हो, जितने बड़े छोटे पीसेस उस तरह से कर सकते हो। मैं जो है इस तरह से छोटे पीस कर रही हूँ स्क्वायर में, तो सारा पनीर हम इसी तरह से काट। तो ये सारा पनीर काट के हमने इस तरह से छोटे पीसेस में कट करके रेडी कर लिया। अब हम लेंगे कुछ प्याज, लहसुन और टमाटर। ये हमने तकरीबन 5 प्याज मीडियम साइज़ के और 3 टमाटर इस तरह से लाल लाल टमाटर लेने हैं। और ये इस तरह से आप देख सकते हो मैंने 7 से 8 जो है फ्लेक्स लहसुन के लिए। अब हम लेंगे मिक्सी का एक जार इस तरह से। इसमें मेरे पहले से ही जो है 5 से 6 चम्मच पानी के डाले हुए हैं और ये इस तरह से रफली कट करके प्याज हम इसमें डाल देंगे। तो सारे प्याज और लहसुन को हम इस तरह से रफली चॉप करके डाल देंगे। लहसुन भी हमने इस तरह से सारा डाल देना है। तो अब ये देख सकते हो कि सारे हमने इसी तरह से डाल देने हैं। टमाटर हम नहीं डालेंगे, टमाटर की प्यूरी जो है हम बाद में बनाएंगे अलग से। सिर्फ प्याज और लहसुन हमने इसमें डालना है और इसको जो है बिल्कुल बारीक पीस लेना है। तो इसको 4 से 5 बार हम इसको मिक्सिंग की जार को घुमाएंगे और अच्छे से इसको। चलिए शुरू करते हैं बनाना। हमने कढ़ाई को गैस पे रख दिया, गैस हमारी जो है नीचे से ऑन हो चुकी है। इसके अंदर हम डाल देंगे अपना कुकिंग ऑयल। कोई भी कुकिंग ऑयल आप घर में यूज़ करते हो वो इसमें डाल लें। तो एक कड़छी जो है मैंने मीडियम साइज़ वाली इसमें डाल दी है। इसको गर्म होते ही हम इसमें डालेंगे शिमला मिर्च और प्याज। ये इस तरह से मैंने जो है चॉप कर लिए, येलो और रेड शिमला मिर्च, साथ में इस तरह से प्याज, क्योंकि अलग अलग जो है इस तरह से मैंने फ्लेक्स को निकाल लिया है, ये आप देख सकते हो। और इस तरह से छोटे छोटे पीसेस में हमने शिमला मिर्च को कट कर। जब ऑयल हमारा हल्का हल्का गर्म हो जाए तो ये सारे शिमला मिर्च और प्याज जो है हम इसमें डाल देंगे और इसको हल्का हल्का जो है हम फ्राई करेंगे। बहुत ज़्यादा नहीं, हमने इसका कलर चेंज नहीं करना है, बिल्कुल हल्का हल्का जो है हमने इसको फ्राई करना है। सिर्फ आप कह सकते हो कि हमने 1 मिनट के लिए इसको हमने जो है इस तरह से फ्राई कर लेना है। जब इस तरह से ये हल्का हल्का 1 मिनट के लिए फ्राई हो जाए तो हम इसको निकाल लेंगे इस तरह से। ज़्यादा देर तक हमने इसको बिल्कुल भी नहीं करना है, बस हल्का हल्का करके हमें इसको इसी तरह से निकाल लेना है। अब ये जो घी इसमें बचा हुआ है इसमें हम डाल लेंगे सबसे पहले हींग। हींग हम डालेंगे इसमें तकरीबन 1/3 स्पून के करीब, ज़रूर डाल लें, टेस्ट बहुत ही बढ़िया आएगा। इसके साथ ही हम इसमें डाल लेंगे अपने प्याज, ये जो हमने मिक्सी में ग्राइंड करे थे इस तरह से, तो ये जो हम इसमें डाल लेंगे। और हमने इसको तब तक जो है फ्राई करना है जब तक ये अच्छे से गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। इसके साथ ही हम इसमें डाल देंगे 1/2 चम्मच के करीब सूखा धनिया। मिक्स कर लेते हैं इसको और इसको लगातार हिलाते हुए गोल्डन ब्राउन कर लेते हैं। तो आप देख सकते हो पानी इसका सूख चुका है और हल्का हल्का जो है इसका कलर भी चेंज हो गया है, लेकिन अभी ये पूरा ब्राउन नहीं हुआ है, हमें इसको जो है थोड़ा सा ज़्यादा ब्राउन करना है। तो साइडों में से स्क्रैप करते रहेंगे इस तरह से और अच्छे से इसको जो है गोल्डन ब्राउन कर लेते हैं। जब ये हल्का सा इस तरह से ब्राउन हो जाए तब इसमें डाल देंगे नमक। नमक मैं इसमें डालूंगी तकरीबन 1/2 चम्मच के करीब और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप देख सकते हो हल्का हल्का ये गोल्डन ब्राउन हो चुका है। अब इसमें हम डाल देंगे अपने मसाले। सबसे पहले हम इसमें डालेंगे लाल देगी मिर्च। ध्यान रहे कि लाल देगी मिर्च जो है कोशिश करें कि MDH की डालें, इसका स्वाद जो है बहुत ही बढ़िया आता है, कलर बहुत ही बढ़िया आता है। तो हम तकरीबन जो है ये 1/2 चम्मच के करीब हम इसमें लाल देगी मिर्च डाल देंगे। इसके साथ ही हम इसमें डाल देंगे किचन किंग मसाला, वो भी हम जो है MDH का डालेंगे या फिर मेरी रेसिपी भी इस चैनल में है किचन किंग मसाले की, वो भी आप डाल सकते हो। तो 3 चम्मच जो है इसमें हम किचन किंग मसाले के डाल देंगे। थोड़ा सा हम इसमें डाल देंगे मीट मसाला, सब मसालों की रेसिपी मेरे चैनल में है, तो 2 चम्मच हमने मीट मसाला के डाल दिए। थोड़ा सा हम इसमें डालेंगे 1/2 चम्मच के करीब चंकी चाट मसाला और इन सब मसालों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे, अच्छे से मिक्स करेंगे। जब इसको अच्छे से मिक्स कर लें इसके साथ ही हम इसमें डाल देंगे टमाटो प्यूरी। ये जो 3 टमाटर की हमने टमाटो की प्यूरी बनाई थी वो भी इसमें डाल देंगे और अच्छे से इसको हिला लेंगे। अब इसमें हम डाल देंगे घर पे पड़ी हुई मलाई, जो दूध से मलाई निकलती है वो मलाई हम इसमें डाल देंगे।
ये देखिए, तो 3 से 4 चम्मच जो है हम इसमें मलाई के डाल देंगे। मैंने जो है इसमें 4 चम्मच मलाई के डाल दिए। आपके पास मलाई ना हो तो आप क्रीम डाल सकते हो, लेकिन मलाई तकरीबन सभी के घरों में होती है, तो इस तरह से जो है मैंने 4 चम्मच जो है अच्छे से मलाई के डाल दिए। अच्छे से इसको हिला लेंगे और भून लेंगे। जब ये भूनने लगे तो इसमें डाल देंगे हम बिल्कुल 1/3 स्पून के करीब काली मिर्च, इससे स्वाद और इन्हेंस होगा और ये चटपटे मज़ेदार बनेंगे। अब हम डाल देंगे 3 से 4 हरी मिर्चें, ये जो हमने शिमला मिर्च और प्याज डाला को फ्राई किया था वो भी इसमें डाल देंगे। इसके साथ ही हम इसमें डाल देंगे अपना छोटे पीसेस में कटा हुआ पनीर और सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। फ्लेम हल्का कर देंगे और हल्की फ्लेम में जो है इसको हम 5 मिनट के लिए पड़े रहने देंगे। ढक्कन रखेंगे छोटा सा एक पैन और गैस को हमने नीचे से खोल लिया। इसमें जो है हमने 1.5 स्पून जो है देसी घी का डाल दिया, इसको हल्का मेल्ट होने देते हैं। जब ये हल्का मेल्ट होने लगे तो इसमें अब हम डाल देंगे लाल देसी मिर्च तकरीबन 1/2 चम्मच के ऊपर थोड़ा सा, इसको मिक्स कर लेंगे। और जब हल्का हल्का इस तरह से जो है आप देखें तड़का होने लगा है, बबल्स निकलने लगे हैं, गैस को बंद कर दें और ये तड़का हमारा रेडी। 5 मिनट हो चुके हैं और आप देख सकते हैं पैन के साइड में से घी निकलना शुरू हो गया है और हमारा बहुत ही बढ़िया पनीर जो है बनकर तैयार हो चुका है। इसको इसमें हम स्प्रिंकल कर देंगे थोड़ा हरा धनिया। धनिया को ध्यान रहे स्प्रिंकल करने से पहले अच्छे से वॉश कर लें ताकि इसमें कोई भी मिट्टी ना रह जाए। इस तरह से हरा धनिया स्प्रिंकल करेंगे और एक बार दोबारा से मिक्स कर लेंगे। इसको अब हम लीजिए बढ़िया से हमारा पनीर बनकर तैयार हो चुका है। हम एक बोल लेंगे जिसमें हमने सर्व करना है और इसको इस तरह से जो है सर्व करेंगे। ये देखिए लग रही है ना बढ़िया, ये देखिए आपको पास से दिखाती हूँ, ये देखिए बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार से बनकर तैयार होती है। इसे आप नान के साथ, चपाती के साथ, चावल के साथ, यहाँ तक कि आप इसको ब्रेड के साथ भी खाएं तो बहुत ही ये बढ़िया लगती है। लग रही है ना कितनी टेम्पटिंग है, आप देख सकते हो कितनी ये टेम्पटिंग लग रही है। इसके ऊपर अब हम स्प्रिंकल करेंगे, थोड़ा सा डालेंगे ये जो हमने तड़का बनाया था ये इस तरह से इस पर डाल देंगे। ये देखिए कितना बढ़िया लग रहा है ये तड़का। इस पर यकीन मानिए बहुत ही मज़ेदार और स्पाइसी ये बननी है, बहुत ही टेस्टी बनी है। हल्का सा हम इसमें गार्निश कर देंगे इसको हरे धनिया की पत्तियों के साथ और इसको आप घर में ज़रूर बनाएं। आपको कैसी लगी मेरी ये रेसिपी ज़रूर मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर करें, कमेंट करें और अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लीजिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। जल्दी मिलते हैं एक और नई रेसिपी के साथ। धन्यवाद।